मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उनके लिए बागवती जी कहते हैं व्यायाम निषेध, जैसे बच्चों को निषेध वैसे उनको निषेध। उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे बात वालों की, माने बुजुर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है व्यायाम से भी ज्यादा। और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर तलवे दो चीज है और कान भी, तो मालिश आप करें व्यायाम करें तो बहुत ही हल्का फुल्का करें। लेकिन ये नियम बागवत जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए, क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है, तो हो सकता है एक घंटे तक भी ना आए और आप करते रहे। ये पित्त और कफ वालों के लिए है, सिर्फ वात वालों के लिए। तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सके, वैसे तो वात वालों के लिए बागवत जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है, वो है दिशा निर्देश। बुजुर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुभव ले लिया और वो अनुभव को मिलाकर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं। बाकी अपना पूजा पाठ भक्ति वगैरह ज्यादा, क्योंकि इसमें मूवमेंट, बागवत जी बोलते हैं कि वात के लोगों को मूवमेंट सबसे कम होने चाहिए, तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं, आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक सवा घंटे में तीनों प्रकृति के लोगों की दिनचर्या बता सकूं। अब 30 तारीख को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगी। अभी मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रश्न पूछें, लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो। मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिख के, जरा इसको मैं बता दूं। मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या, ये प्रश्न है। कल मैंने गोमूत्र का महत्व बताया था ना, तो मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या। मनुष्य का मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है और बागवत चिकित्सा में उसके लिए दो सूत्र हैं। उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं, माने अपना स्वयं का मूत्र पी सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप संपूर्ण शाकाहारी होने चाहिए, संपूर्ण शाकाहारी, माने मांस ना खाएं, मदिरा ना पिए, और आप ये जो है अंडे वंडा ना खाएं, तो आप अपना स्वयं का मूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा दोनों में क्या, तो बागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्ध है तो वो पिए, नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं का मूत्र भी पी सकते हैं। अब स्वयं के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठे और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है, बाकी दिन भर का नहीं। उठे और पहला मूत्र, और पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधि उन्होंने बताई है। वो विधि क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़े, शुरू का 2-4-5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर तक छोड़ें, और अंत का बिल्कुल छोड़ें, बीच वाला, यही आप पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस किस बीमारी में काम आएगा, कम से कम आपका स्वयं मूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा, पित्त की बीमारियों में भी काम आता, थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ आयुर्वेद की कुछ औषधियों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी इतना ही कहता हूं, अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा। जी,